धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव आत्माओं सार ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी चर्चा चल रही थी शुभ भावों पर हमारे भाव हमारे विचार हमारी सोच कैसे अच्छे हो सकती है अगर हम जो अशुभ विचार चलते हैं अशुभ हमारी सोच चलती है अशुभ भाव बनते हैं इनको बंदो रोक करके अगर हम धर्म की चर्चा करेंगे हम संसार की चर्चा ना करके हम धर्म की चर्चा करते हैं हम संयोग वियोग को समझते हैं तो हमारे भाव शाम हुआ करते हैं तो हमने देखा था कि वह सम्यक दृष्टि जीव जहां से कुविचार आते हैं जहां से हमारी परिणति खराब होती है जहां से हमारा जीवन एक पतन की ओर जाता है उस जगह से हट जाता है इसको कहते हैं आज संबर और बंधुओं जो वह संबर कर देता है तो निर्जरा भावना कहती है कि वही जो भी उसने पाप किए हैं जो भी उसने विचार किए थे अब वह पश्चाताप करता है व्रत संयम नियम आदि से अपनी आलोचना गरहा करता है क्योंकि जो पाप किए हैं जब तक हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे निंदा गरहा नहीं करेंगे जब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है बंधु तप आदि करते हैं पढ़ते हो तब सा निर्जरा चाह तब से निर्जरा भी होती है तप आदि करते हैं हम अपने उपास आदि करते हैं तो कहते हैं कर्मों की निर्जरा भी होती है इसलिए भक्तात्माओं निर्जरा सबसे ज्यादा निर्जरा होती है साम्य भाव में ध्यान रखना हम आपको बता रहे हैं अगर आपको कर्मों की निर्जना ही करनी है सुख आए तो भी ठीक और दुख आए तो भी ठीक सुख में कभी फूलना नहीं और दुख में कभी कूलना नहीं शाम में भाव बने रहना यही जीवन की सबसे बड़ी निर्जरा का कारण एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम उस निर्जरा करके एक दिन अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्रकट कर सकते हैं इसलिए आप अभी आपके जीवन में समता नहीं किसी ने कुछ कहा आप उसमें अटक जाते हैं चिंतन किया करो संसार एक दर्पण है अगर आपने अपने किरदार को आईना लो तो तुम्हारी नजरा ही नजरा है जिस प्रकार से भात्माओं हो, दर्पण होता है दर्पण में पहाड़ भी देखता है और दर्पण में समुद्र भी देखता है दर्पण में दर्पण जानते हो आईना दर्पण में पहाड़ भी देखता है और दर्पण में आईना भी समुद्र भी दिखता है पहाड़ से वह दर्पण कभी भारी नहीं होता और समुद्र को देख करके के वह कभी गीला नहीं होता हे भात्माओं यही तुम्हारे लिए शिक्षा है कि सुख आते हैं तो उसमें फूलना नहीं और दुख आ जाए तो उसमें कभी कूलना नहीं सोचो क्योंकि दर्पण जैसा जैसे दर्पण के सामने जाते हैं हर कोई जो भी दर्पण के सामने जाता है दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है लेकिन वह कभी संग्रह नहीं करता।, करता है क्या नहीं करता दर्पण कभी संग्रह नहीं करता है जो भी सामने आएगा देखता है प्रतिबिंब देखता है ऐसा कोई भी नहीं जो दर्पण के सामने चला जाए प्रतिबिंब ना दिखे सबको दिखता है लेकिन बंधुओं धन्य दर्पण दर्पण कभी संग्रह नहीं करता है जो आया सो ग्रहण कर लिया आ गए तो खुशी नहीं और चले गए तो गम नहीं इतना बना लीजिए मन को आओ आया सो वेलकम आओ सो बेलकम और जाओ सो यानी यही संसार में बंधुओं हम जब अपना संग्रह कर लेते हैं उसमें हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि संत कहते हैं अपने जीवन को अगर तुमने दर्पण बना लिया तो दर्पण की खासियत होती है कि संग्रह नहीं संग्रह में ही दुख होता है ध्यान रखना जितना संग्रह करोगे उतना दुख होगा सामने वाले व्यक्ति ने आपको कुछ गलत बोल दिया आपने उस बात का संग्रह कर लिया दिमाग में बिठा लिया अब आप रो रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा अब उसके लिए सोचते हो हम इसका जवाब ऐसा देंगे ईंट का जवाब पत्थर से ठे, 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 ठे. जैसे को तैसा जवाब देना बंधु सब क्या है इस संसार में भटकने का कारण है इसलिए संसार में रहो संसार में रहना बुरा नहीं प्रकार से आप नाटक देखने जाते हो कभी नाटक देखने गए हो तो नाटक में अनेक प्रकार के चित्र देखते हैं, कभी अच्छे भी देखते हैं कभी बुरे भी देखते हैं कोई अच्छा भी कार्य करता है और कोई बुरा भी कार्य करता है अभी मीडिया का जमाना चल गया पहले नहीं था लेकिन पहले स्मृत स्मृति पटल में आप उसको अंकित कर लेते थे एक एक दूसरा कहीं जाएगा तो आप बता देते थे यहाँ ये धर्मशाला है यहाँ इतने नंबर की धर्मशाला मिलेगी यहाँ ऐसे घूमने को मिलेगा ऐसे चले जाना इसका तो देखना ये घूमना ये घूमना आदि आदि उसको अपनी स्मृति पलट में आपने संग्रह करके रख लिया था रखा था बता देते हो अभी मीडिया का जमाना है आप फोटो -पोट खींच करके लाते हो हर जगह की पिक्चर बना करके लाते हो और बात हो जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये पिक्चर क्या साथ में ले जाओगे क्या इसलिए लोग भावना कहते हैं कि संसार की लंबी यात्रा है इसके अनेक पड़ाव पड़े थे और कौन से स्थान में हम ठहरे थे? थे? थे कितने समय ठहरे ठहरे थे थे कितने कितने घंटे दिन कितने साल ठहरे थे एक भी व्यक्ति है सभा में जो बता सके बता सकते हो क्या हम जीवन में कितने पड़ाव में आए हैं कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं ए जीव काल से है ओ कौन कौन सी यात्रा कितने सुख को भोग करके आए हो तुम कितनी बार राजा महाराजा बने हो कितने दास दासियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही भव बात क्या तुमको वह कुछ पड़ाव मालूम है बोलो कुछ भी पता नहीं है कितने जीवन में दुख उठाए हैं कितने दुखों का सामना करना पड़ा है कितनी गरीब स्थिति से निकले हैं कितने किए गए हैं क्या आपको पता है बता दो किसी को एक को भी पता हो गए हम अगले भाव में ऐसे थे बताओ नहीं है जब कितने सुख दुख कितने पड़ाव भावना का चिंतन करना कि संसार में कितने ऐसा जीव नहीं लिए बाहर की यात्राओं को अब रोक दो अगर यात्रा ही करना है तो अंदर की यात्रा करो साधु संत जब चतुर्माश करते हैं तो उनकी बाहर की यात्रा रुक जाती है लेकिन उनकी बाहर अंदर की यात्रा चलती रहती है आप सोच रहे थे ओ, सोच क्या रहे थे देख रहे हो नौ महीने से यात्रा रुकी हुई है आपको रुकी हुई दिखती है लेकिन साधु संत बाहर से रुके हैं लेकिन अंतर से उनकी धर्म की धारा बहती रहती उनका चिंतन चलता रहता है उनकी यात्रा जारी रहती है वे चिंतन करते हैं संसार में रह करके भी वे चिंतन करते हैं कि देखो किसको अपना कितने, माता पिता को, छोड़ करके आए हैं। कितने को रुला करके आए हैं और कितनों को रुला करके जाना है इसका कोई हिसाब नहीं है कितने घरों को कितने डेरा कितना बसेरा किया होगा लेकिन जब समय आया तो बंदू अपने अपने स्टेशन पर सब उतर जाते हैं जिसका जब वक्त आया वह दुनिया से चला जाता है इसलिए तो तीन लोग में इतने जीप ठसा ठस जीप भरे हुए हैं किसकी कोई गिनती नहीं कौन से तीन लोग हैं उर्दलोक मध्य लोग लो और अधो यनि अधोलोक में मध्यलोक में संबंध बंधुओं मनुष्य दिखाई दे रहे हैं मध्यलोक में हम आ गए क्या हमने अधोलोक की यात्रा नहीं की क्या कितनी बार अधोलोक की यात्रा की थी और जब नरकों में इतनी वेदना सहन करी कितने कष्टों को सहन किया था और कितना चिंतन कर बार बार चीख रहे थे चिल्ला रहे थे कि एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए हे भगवान मैं इतना धर्म ध्यान करूंगा इतना धर्म ध्यान करूंगा कि सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा भगवात्माओ उस तड़पते हुए ऐसे तड़प रहे थे और तड़पते तड़पते अचानक पुण्य के उदय से जैसे चना फोड़ते हो बाहर से एक चना उछट के बाहर आ जाता है ऐसे तुम्हारा जीव इसको हुए आ गया था, फिर भी एक नरग, एक इंद्र कहते इंद्री, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री आदि सैनी असैनी में कितनी बार इसके पड़ाव रहे इस संसार की यात्रा कितनी यात्रा करना पड़ी फिर जाकर के कभी तुम मनुष्य पर्याय में आए हो मनुष्य पर्याय में आकर के भी कितना पुण्य का उदय आया कितना पुण्य का उदय आया कि हमें यह जैन पर्याय मिल गई जैन कुल मिल गया बंधु हर किसी को जैन कुल नहीं मिलता कितना पुण्य कितने भवों का पुण्य किया होगा कि तुम्हारी यात्रा में तुम सही स्टेशन पर उतरे हो स्टेशन तो बहुत जगह के स्टेशन मिलते हैं लेकिन तुम बिल्कुल सही स्टेशन पर उतरे हो कौन से जैन कुल का स्टेशन जैन धर्म तुमको मिल गया ओ जैन धर्म में पाकर के भी बंदो कितना और पुण्य का उदय है तुम्हारा के तुम्हें रोज प्रभु का दर्शन हो रहा है तुम्हें नेमीनाथ भगवान की शरण मिल गई ओह इससे ज्यादा पुण्य कुछ नहीं इस पुण्य को दुनिया तरसती है देव भी तरसते हैं तुम्हारे पुण्य को देख करके तुम लोग कह रहे हो कि मुझे मैं देव गति जैसे मिल जाए वहां सुख भोगूंगा लेकिन तुम्हारी पर्याय के लिए ज्ञानी आत्माओं एक देव भी तरसता है फिर भी वह देव तरस रहा है कि मुझे खास मुझे एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए इस मनुष्य पर्याय को पाकर के भी अगर हम अपने जीवन में सार्थक नहीं कर पाए और तो क्या दर्शन के साथ साथ तो साधु में बहुत पुण्यशाली एक 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 अकेले नहीं एक इंद्री से पंच इंद्री जीव ने गुवाहाटी की इस भूमि ने पुण्य किया होगा तो तुम्हें साधु संतों का समागम मिल रहा है वो समागम थोड़ा नहीं इतनी भक्ति होती है भक्त के बस में भगवान हुआ करते हैं जाना भी चाहते थे लेकिन वह भक्ति के बसी भूत होकर के नौ महीने निकल गए एक कम बात नहीं कितना पुण्य किया था उस पुण्य में आकर के बंधु अगर हमने अपने जीवन को नहीं सजाया तो वह पुनः हमें संसार की यात्रा करना पड़ेगी इसलिए लोक भावना कहते लोक भावना का चिंतन करना बाहर की यात्रा यहाँ जाना यहाँ जा रहे हो यहाँ जा रहे यात्रा करना हो तो धर्म से जुड़े होकर के यात्रा करना साधु संतों के साथ यात्रा करना हमने कल बताया था सबसे ज्यादा कर्मों की अगर निर्जरा होती है तो साधु संतों के बिहार में होती है जब साथ में चलते हैं सबसे ज्यादा निर्जरा तो बाहर की यात्रा नहीं लोक भावना का चिंतन कि संसार में कितने सब दुख भूल गए जिस पर्याय में आए उसी में ही रम गए जो जीव जिस गति में जाता है वही उसको अच्छी लगने लगती है अभी घबराहट होती है सर्प बिच्छू कुत्ता आदि को देखते हैं त्रियंचों को देखते हैं घबराहट होती है लेकिन बंदू जब मर के चले गए तो उसी में ही यह जीव रम जाता है वही पर्याय अच्छी लगने लगती है लेकिन यह पर्याय तुम्हें जीवन को महान बनाने वाली होगी तो लोग भावना का चिंतन करके और कहते हैं फिर कौन सी भावना आती है बोधि दुर्लभ भावना आती है कि यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती है हर किसी को नहीं कहते हैं कि जैसे सागर में रत्न चले जाते हैं उन रत्नों को ढूंढना मुश्किल होता है कितनी भी डुबकी लगाओ ऐसे बोधी दुर्लभ अगर मनुष्य पर्याय भी मिल गई तो जैन धर्म मिलना मुश्किल है वो जैन धर्म मिल गया तो जैन धर्म के साथ तुम्हें बोधि की प्राप्ति होना बड़ी मुश्किल की बात है क्योंकि बंधु अब ज्यादा समय नहीं है हम अपने आप को बोधि दुर्लभ के साथ साथ धर्म भावना का चिंतन करते हैं कि चिर रक्षक धर्म हमारा हो वो धर्म हमारा चिर साथी थी ओ जग में न हमारा कोई था हम भी ना है। कि धर्म ही हमारा सच्चा साथ ही हो सकता है बाकी तो दुनिया का खेल है यही जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है तभी हमारा जीवन सार्थक होगा अगली चर्चा कल करेंगे जेबडिये महावीर भगवान ने कि